संतोख सिंह धीर की कहानी है सांझी कंध। 8 महीने की खज्जल खुआरी मगरों जद कपूर सिंह विचारा मसी घर बनाउण की पुज्जत विच होया तां रेड़का सांझी कंध उत्ते पै गया। एकांदो दे चाचे दे पुत दरबारे नाल सांझी सी। पिछले वरे दियां बारिशां विच कपूर सिंह दा घर टह गया सी। उंज तां किन्ने ही घर टह गए सन पर कपूर सिंह दे घर दा टहना पिंड विच सब तो वड्डी दुर्घटना सी। एक भी खण साबत नहीं सी रहा। पैसे वल्लों कपूर सिंह अगे ही कमज़ोर सी। खबरे किवें अंदरे अंदर अपनी कबीलदारी तोड़दा सी। पहला ओ मकान वास्ते कर्जे लई जिले के दफ्तर विच धक्के खांदा रहा। उत्थे वजीरां दियां सिफारशां चलदियां सन। हार के उन्हूं 10 वीगे पो बै करनी पई। किन्ना कु चिर बगाने घरां विच टब्बर रुलदा रहे। इट्टां सुटा लईयां, सीमेंट दा बंदोबस्त बन गया। पर जद तक दरबारे नाल गल ना खोली जावे कम किवें शुरू हो सकता है। सामने गली सी, किसे दा रोला नहीं सी। सज्जे पासे दी कंध चाची राम कौर नाल सांझी सी। कपूर सिंह दे नाल ही कुछ हिस्सा उसदे घर दा भी डिग पया सी, जिस तो ओ आप तंग सी ते उन्नू आप कंध दी लोड़ सी। पिछले पासे चन्नण सिंह चीनीए दी आबादी सी। कदे ना कदे उन्हें भी 2 खण आबादी विच छत्तणे सन। इसलिए उन्हें शतीरी तरन वेले अद्धा देण मन लिया। झगड़ा सी ता सारा दरबारे वाली खब्बी बाही दा ही सी। ए झगड़ा थोड़े कीतिया मुकदा ना सी दिसदा। एक दो वार कंध करन लई कपूर सिंह ने दरबारे नू आख्या पर उन्हें कोई हां हूं ना कीती। सगो रुखा जवाब देंदिया कहा, जद कंधा दे समय आणगे कंधा देखियां जाणगियां। पर कपूर सिंह लई हुण होर समा कदों आउणा सी, जिहड़ा घरों बेघर होया बैठा सी। दरबारे वाली ए कंध वडारुआं वेले दी कच्ची ते थां थां तो गई होई सी। कई थां चार चार उंगल दियां पग्गां खुलियां होईयां सन। उंज दी थोबड़ जिवें रेही दी खादी हुंदी है। आर पार कई मोरियां, पिछों कोठड़ी दे शतीर दब्बे होए ते छत झुकी होई सी। लोड़ असल विच दरबारे नूं वी कंध दी ओनी ही सी जिन्नी कपूर सिंह नूं। नवी कंध माड़ी वी किस नूं रहिंदी है, पर बहाने लई इक लेखे ओनूं इस कंध बिना सरदा वी सी। ओहदे कोल 2 घर सन। इस पुराने कोठे विच ओहदा कख कंडा ते डंगर वच्छा हुंदा सी। आप ओ इस तो अगले घर विच रहिंदे सन, जिस दी हालत बड़ी चंगी सी, जो उन्हां दे गुजारे लई काफ़ी सी। पर कपूर सिंह नूं तां कंध बनाए बिना किसे तरह भी नहीं सरदा। नवे घर उत्ते जिसने नवे सिरों पैसा लाना होवे ओ हुण कच वी क्यों रखे। 3 पासियां दियां कंधां पक्कियां निकलदियां सन। इस चौथे नूं कच्ची रख के ओ मकान दी जखणा किवें पुट लवे। पक्कियां कंधां उत्ते कदे चुबारे भी बन सकते हन। कच्चियां ते बोधियां कंधां दे अगे थोड़े हाथ लगे सन। कपूर सिंह बड़ा तंग पया। शरीक कहिंदे हुंदे ने मिट्टी दा भी बुरा उन्हूं रह रह के दरबारे उत्ते गुस्सा आउंदा। पर गुस्से नाल ओह जाणदा सी ओहदा काम सौरना नहीं। चाची राम कौर, चन्नण सिंह चीनिया ते होर कईयां नूं उन्हें आख्या कि ओही दरबारे नूं जाके समझाउण, पर दरबारा सी कि रस्सी दा सप बनिया बैठा सी। गली गुआंढ मित्र प्यारा जद किसे नूं भी आई गई ना दित्ती तां उन्हें सोचिया एक बार फिर जाके आप दरबारे नूं समझावे, खबरे कोई गल ओहदी अकल विच ही आ जावे। अगली सवेर उन्हें दरबारे दे बूहे अगे थोड़ा औल के आवाज मारी। अंदरों कुड़ी ने दस्या कि ओह हुण पटवारी वल नूं गया है। कपूर सिंह मगरे तुर पिया। उत्थे 2 आदमियां सामने गल करने योग समझी। जांदे अगे राम रतन पटवारी
तम्मा सिंह सरपंच, टूंडा लंबड़दार ते एक दो आदमी होर मंजिया उत्ते बैठे सन। दरबारा पटवारी दी पैंद बैठा जिवें कुछ लिखवा रहा सी। कपूर सिंह सारिया नू ही सांझे मन के दरबारे नू धीरज नाल आख्या, भाई दरबारा सियां, कंध दा फिर हुण कीकण करना है? केड़ी कंध? दरबारे ने पैरां उत्ते पानी ही ना पैण दिता। तू भुलिया होया? कपूर सिंह बोलिया, अपनी सांझी, मैनू नहीं लोड़ कंध करन दी। ओपरियां वांग दरबारे ने उहदे वल्लों मूँह फेर के हवा विच खाली झांकदियां कहा, जे तैनू लोड़ नहीं तां मैनू तां है। कपूर सिंह निमाणा होके बोलिया, पर इह गल दरबारे दे नेड़ियों भी ना गई। उहने होर भी रुखी तरह कहा, तैनू लोड़ है तू कर लै, मैं किवें कर सकदा भला? एडी बड़ी कंध, कला 40 फुट लंबी, 14 फुट उच्ची, 1.5 इंच चौड़ी, फिर मेरे सिर आसान है? आसान तो नहीं, मेरा काम तो अटकिया खड़ा है। मैनू जिम्मेवारी है तेरे काम दी। अटकिया रह, दरबारा सिर नू आया। कोलों पटवारी ने हौली जिही आख्या, कानू बाखो चौड़ हुन्ने हो, मुका लियो रल के। पर सरपंच ने मलवी जीभ नाल चब के टोकिया, आपा ने कानू आउणा विच पटवारी जी, भाई भाई ने आपे समझणगे। कपूर सिंह सरपंच दा रुख ताड़ गया। अगे भी वह कई वरिया तो उहदे नाल लगदा आउंदा सी। दरबारे कप्पल नू इन्हां गल्लां दी की शर्म। हुण जे कपूर सिंह दा भाई ही सरपंच नू उहदे खिलाफ वरतण लई मिले तां होर उहनूं की चाहीदा सी। उहने होर नरम हो के दरबारे नू समझाउणा चाहिया, दरबारा सिया, मैं तैनू मिन्नत नाल कहना, आपां कबीलदार हां, लड़दे चंगे नहीं लगदे, आ रल के कंध बनाइए। तू हाँ कर, जिकण कहेंगा मैं उकड़े मन लूँगा। कंध है माड़ी, दोहां नू ही सुख है, माड़ी मोटी कंधोड़ी हुंदी मैं तैनू कहिंदा वी ना, सारा भार चुकना मैनू भी औखा है, तू मैनू बहुता चका दे, आप थोड़ा चुक लई। कपूर सिंह दी नरमाई ने दरबारे दी अड़बाई कुछ ढिल्ली कर दित्ती। घुटियां उहदे मत्थे विच्चों मिटन लगियां। पल दी पल हाँ कर देण लई उहदा जी वी कीता, पर उदों ही हौली जिही सरपंच खुंघारिया, इन्नी हौली ते इन्ना बेमलूम जिस विचली रमस नू दरबारा ही बुझ सके। दरबारे नू फिर वट चढ़ गया ते उहदे पद्धर हुंदे मत्थे विच घुटियां फिर संघणियां हो गईआं। ओ मैं शदाई आ जिहड़ा मल्लो मल्ली किसे दा भार चकदा फिरां, पर तैनू अनकार किहड़ी गल्लो है? कपूर सिंह फिर भी भाईबंदी वरती, की करे उहनू लोड़ जो सी, मेरे च नहीं जान पैसा खर्चन दी, मैं फाहे चढ़ा? दरबारे उसे तरह हवा नू कूड़दा सी, खर्च हाले मैं कर दिन्ना, तू फिर दे दई, जद होणगे उदों दे दई, मैं एवें तेरी जुत्ती हेठ आवां? दरबारा किसे राह भी नहीं सी तुरन देंदा। भाई जे मित्र होवे तां उहदे वर्गा कोई मित्र नहीं, जे भाई दुश्मन बन जावे उहदे वर्गा कोई दुश्मन नहीं। टूंडे लंबड़दार ने गल मुकाउणी चाही, लैणा देणा बणिया होया ही है, कोई डर नहीं अगड़ पिछड़ दा भी? कपूर सिंह दी हालत उत्ते उहनूं तरस आ रिहा सी। तैनू नहीं पता चाचा, दरबारे ने झट ताड़ दिता, वह चुप कर गया। किहड़ा लक्कड़ तो अपनी हेठी कराए? कपूर सिंह दुखी हो गया, की करे ना करे, ये बेईमान किसे पासे दी नहीं मनदा। पल्ले 400 रुपया ला के उहनू मुफ्त विच कंध बना के दे दिओ तां लोड़ है, जे अद मंगो तां लोड़ नहीं। वह जाणदा कंध तां इहनू अपनी लोड़ नू बनाउणी पैणी है, वह क्यों खाम खां हामी परे, शतीर ओदे कोई ला ही नहीं सकता। दरबारा सियां।